आज हम देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अलग अलग वीडियो में आपको कुछ बेसिक रूल बताते जाऊँगा ताकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं बट उनको रूल्स पता नहीं है, कुछ बेसिक रूल्स है कुछ एडवांस रूल है, तो मैं आपको कुछ बेसिक रूल बताऊँगा ताकि आप टूर्नामेंट भी खेल पाओगे और आपको टूर्नामेंट खेलने में भी ईजी होगा। सो फर्स्ट मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिटिंग पोजीशन सबसे मेन चीज़ है। सिटिंग पोजीशन हमें कैसी रखनी है? सिटिंग पोजीशन हमें ये कैरम का जो फ्रेम है, कैरम बोर्ड की जो फ्रेम है, इसे हमें सेंटर में बैठना है और थोड़ा सा लगभग 20 इंचेस के दूरी पे हमें बैठना है फ्रेम के, 20 इंचेस। ओके, सुटेबल हमें स्टूल या चेयर रखना है, कैरम स्टैंड के ऊपर हम बोर्ड रखेंगे। ओके, और इस तरीके से हमें बैठना है। ये फर्स्ट है सिटिंग पोजीशन। आपको क्लोज या ज़्यादा दूर बैठना नहीं है, ये आपकी स्टैंडर्ड साइज है बैठने के लिए। ओके, और सेकेंडली ये प्लेइंग एरिना है। ये हमारा जो इसे प्लेइंग एरिना कहते हैं, इसके अंदर ही हम खेल पाएंगे, इसके बाहर हम जा नहीं सकते और इसके बाहर भी जा नहीं सकते। हम हमारी बॉडी मूवमेंट कर सकते विथ लेग्स, यू कैन ऑल्सो मूव यूर लेग्स। आप अपने पैरों को भी, हमारे बॉडी को भी इस टाइप में हम मूव कर सकते हैं। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, हम खेलते वक्त हम हमारी बॉडी को मूव कर सकते हैं लाइक दिस और लाइक दिस। सो आप ध्यान रखिए, ये हमारा कुछ बेसिक स्टार्टिंग है। सेकेंडली मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्राइकर जो हमारा है ये ऑलवेज, ये जो हमारी इसे बेस लाइन कहते हैं, ये बेस लाइन के आपको बीच में लगाना है। देखना है कि हमारा स्ट्राइकर करेक्ट लगना चाहिए। ओके, ये हमारी बेस लाइन है। जब हम कोई भी कॉइन्स को पॉकेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो हमारा स्ट्राइकर जो है वो बेस लाइन पे चाहिए। और हमारा जो बॉल है, ये बॉल को आपको जब हिट करोगे कोई कॉइन को, अगर आप ये कॉइन को हिट कर रहे हो बॉल पे से, तो आपको पूरा बॉल कवर करना है। ये लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है और ये हाफ बॉल भी लेना नहीं है, फुल बॉल कवर करके ही आपको कोई कॉइन को पॉकेटिंग करनी है। इधर भी और इधर भी सेम वैसा ही है। और व्हेन यू प्ले टूर्नामेंट यू कांट रिमूव यूअर हैंड्स मूव अहेड द एरोज। ये जो एरोज आप देख रहे हैं, हम खेलते वक्त हमारे हाथ यहाँ तक नहीं लेके जा सकते, ये फाउल में काउंट होता है। तो हमें जो कुछ भी मूवमेंट करना है बेसिक, वो हमारे फ्रेम के, हमारे बेस लाइन के पास ही करना है। ध्यान रहे कि हमें ये बहुत ही बेसिक रूल है बिफोर प्लेइंग टूर्नामेंट जो हमें ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे आपको बेसिक रूल बताऊंगा जो हमें ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट।